हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनीश द एक्सप्लोरर। तो आज हम जो लेके आए हैं प्रोडक्ट, वो लेके आए हैं साइकिल जो कि है क्रॉस कंपनी की, क्रॉस की स्पीड मैक्स। ये हमने जस्ट रिसेंटली ली है अनीश के लिए, क्योंकि आप तो जानते हो अनीश अभी 8 ईयर्स का हो चुका है। तो बेसिकली हम मार्केट गए, काफ़ी ऑप्शंस देखे, और बिलीव मी वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 20, 24 और 26, उसकी एज के हिसाब से। पर बेसिकली ये चार्ट कैसे होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें चार्ट जो आती है कि आपको आपके बच्चे के लिए आपको कौन सी साइकिल आइडल होगी, आपको कौन सी साइकिल लेनी चाहिए, वेदर वो 20 इंचेस की हो या 24 इंचेस की हो या 26 इंचेस की। 26 मेनली एक्चुअली बड़ों के लिए होती है, बच्चों के लिए आ जाती है 16, 20, 24। तो मैं आपके साथ जैसे कि बताया आपको चार्ट शेयर कर देता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एंड मेन जो बच्चे का जो हम देखते हैं वो उसमें जस्ट एक हाइट के हिसाब से नहीं होता, उनके इनसाइड द लेग्स, जो हमारे लेग्स की जो हाइट रहती है वो इनसाइड लेग बोलते हैं, उसकी जो एक मेजरमेंट रहती है उस हिसाब से आपको साइकिल्स सेलेक्ट करते हो। और मेनली जो साइकिल आप सेलेक्ट करते हो वो हर एक ब्रांड की आपको अलग अलग होती है, क्योंकि किस किस ब्रांड में जो ये फ्रेम रहता है, किसका ये ऊपर रहता है, किसका ये और नीचे रहता है। ये वाला जो मॉडल हमने लिया है ये मेल एंड फीमेल या बॉयज़ या गर्ल्स आप बोल सकते हो, इट्स यूनिसेक्स साइकिल। इस साइकिल को चलाने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी बॉयज़ की। हाँ, कलर्स इसमें ऐसे हैं, ये वाला कलर मोस्टली गोज विद द बॉयज़, बट नहीं तो आपको अगर आप जैसे आप देख रहे हो साइकिल, आपको कलर वाइज भी जा सकते हो, बट मेनली फ्रेम एंड एज इसमें आपको वो देखनी है। बट जब भी हम मार्केट गए तो हमें बहुत लोगों ने बोला कि आप 24 मत लो, क्योंकि बच्चे की एज जो है उसमें आता है, कुछ एज के वेरिएशंस हैं, भाई 8 साल का बच्चा आप 20 ले लो। तो हमने बोला एक्चुअली 20 इज नॉट अ ऑप्शन। तो जब हमने ये वाली साइकिल देखी, दिस इज अ बेसिक मॉडल, ये वाले मॉडल में जो आपको आता है आप देख सकते हैं, ये है क्रॉस की स्पीड मैक्स। में अभी जस्ट ये वाले भी जो इसके कवरिंग्स हैं, जो ये पैकेजिंग है, जो साइकिल हमने ली तो खोल दूंगा, बट जो करियर वाला ये मॉडल है ये पूरा वन पीस है, और करियर वाला जो मॉडल है ये अभी आई थिंक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और इन वाले साइकिल्स में आपको काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं, किसमें आपको आते हैं जो टायर्स हैं वो आपको पतले आते हैं। ये वाला जो है स्पोर्ट्स वर्जन है इसका, स्पोर्ट्स वाले में आपको जो टायर्स हैं वो थोड़े ऐसे बड़े वाले टायर्स आते हैं, जैसे कि आप देख सकोगे यहाँ से, ये देखो स्पोर्ट्स वाले में आपको टायर्स कुछ अच्छे बड़े मिलेंगे। एंड प्लस ये वाले जो आपकी जो टायर की फ्रेमिंग है, अभी फ्रेमिंग में ऑप्शंस आते हैं, अगर आप थोड़े इसमें एक अपग्रेडेड जाओगे तो आपको ये वाले एल्यूमिनियम व्हील्स आते हैं, एल्यूमिनियम फ्रेम आता है इसमें, जो एल्यूमिनियम फ्रेम आता है उसकी कॉस्ट इवेंचुअली बढ़ जाती है, बट ये बेसिक है, ये आयरन ही है, ये लोखंड पे पाउडर कोटिंग की हुई है, और जो एल्यूमिनियम वाला आता है वो पूरा अलग से दिखता है। दिस वन इज़ अ सिंगल स्पीड, आप देख पा रहे हो इसमें कुछ एक्स्ट्रा गियर्स नहीं है, एंड देन नॉर्मल पैडलिंग है, एंड देन आपको जो यहाँ पे भी आपको देख पा रहे हो दिस इज क्रॉस की है। एंड देन ये वाली साइकिल में जो दी हुई है ये है आपको पावर ब्रेक्स, इसमें आपको एक दूसरा वेरिएंट भी आता है जिसमें आपको डिस्क ब्रेक आ जाती है, बट ये वाला बेसिक मॉडल है मैंने आपसे शेयर किया, ये वाले में आपको पावर ब्रेक्स दी हुई हैं, बट पावर ब्रेक्स में भी आपको काफ़ी अच्छी हैंडलिंग मिल जाती है। सेम आपको यहाँ पे भी पावर ब्रेक्स एंड अगेन टायर का आप देख पाओगे, एंड स्टेयरिंग वाइज आप देख लोगे तो इट्स काफ़ी स्टडी है, आपको बच्चा जब साइकिल चलाता है तो काफ़ी स्टडी आपको फीलिंग मिल जाती है। ये तो जस्ट एक बेसिक एक एडवांस लगाए हुए हैं, बेल लगाना आपके ऊपर आप लगाना चाहते हो या नहीं। तो चलिए हम सबसे पहले इसकी जो ये पैकेजिंग खोल लेते हैं और देखते हैं कि ये कैसे लगता है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसकी ये पैकेजिंग उतारते हैं, उसके लिए मैं एक्चुअली अनीश को ही बुला देता हूँ, क्योंकि ये साइकिल अल्टीमेटली उसके लिए ही है। अनीश वारंट ज्वाइन, तो ये देखिए हमने अभी जस्ट स्पीड मैच जो कि एक क्रॉस की, एंड वी स्टिल मिसिंग यहाँ पे एक्चुअली एक बॉटल का स्टैंड लगता है, वो मुझे लगाना है, वो मेरे घर पे ही पड़ा हुआ है। तो मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ साइकिल का ओवरऑल लुक, ये देखिए इट्स अ ब्यूटीफुल साइकिल। ये देखिए
देखिए यहाँ से जो उसका लुक आ रहा है, कलर बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है एंड इससे स्पोर्ट्स वर्जन जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड इसके साथ जो हमने लिया है वो लिया है पंप। अभी आप जब साइकिल लेते हो तो आपको उसके साथ एक चीज़ की नीड पड़ जाती है, वो है पंप की। तो हमने जो पंप मंगाया है वो एक्चुअली हमने अमेजोन से मंगाया है, और मैंने साइकिल की भी जो लिंक है, मैं साइकिल की भी लिंक अमेजोन की लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी लिंक जाके वो कर लेना, क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि आपको ये एग्जैक्ट अभी अवेलेबल है या नहीं। तो अभी मैंने देखा है वो 26T का, मतलब 26 साइज का अवेलेबिलिटी, तो मैंने वो वाली लिंक आपके साथ शेयर कर ली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड जो उसके साथ मेन आपको ये चीज़ लगती है वो है पंप। एंड ये वाले पंप में ईजी है, इसमें कुछ ऐसे भी पीसेस आते हैं जो चाइना वाले हैं, आई सजेस्ट कि आप वो मत लीजिए। ये वाला पंप काफ़ी अच्छा है, स्टील का है, ये आपको ऐसे 2 पीस में आएगा, आपको जस्ट इसको यहाँ पे लगा देना है एंड देन दैट्स इट, ये बन गया पंप आपका। एंड आपको जब भी एयर करना है तो आपको उसको ये वाला पीस दिया हुआ है नीचे, इसको आपको सीधा करना है ऐसे एंड देन आपको यूं करके आपको कर सकते हो। और ये वाले पंप में जो आपको दी हुई है, अभी जो वाले पंप्स आ रहे हैं उन सब में आपको जो ड्यूअल वाला ये आपको क्लिप दिया हुआ है, इसमें ड्यूअल का एड आपको जो पुरानी साइकिल्स में होता था वो पुराना मॉल आपको इसमें ऐड करना है। ये वाला जो बड़ा वाला सेक्शन है ये आपको कार्स में भी लगता है, बाइक में भी लगता है, और ये वाले साइकिल में जो आपको दिया हुआ है वो आपको ये बड़ा वाला ही दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको जस्ट यहाँ से इसकी कवरिंग निकाल देता हूँ, ये देखिए। तो ये सेम जो कार्स में आता है सेम है या बाइक्स में, तो आपको इससे इसी से ही करना है, जस्ट आपको इसको क्लिप के ऊपर करना है, ये बड़ा वाला सेक्शन आपको इसके अंदर डालना है, फिर इसको आपको क्लिप के ऊपर करना है। तो दोस्तों इसे भी यूज़ करना बहुत ही आसान है, और ये अगर आपके घर पे साइकिल ऑलरेडी है तो आप जस्ट एक पंप ही ले सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। पर अगर आप साइकिल लेना प्लान कर रहे हो, चाहे ये साइकिल हो या और कोई भी साइकिल हो, ये जस्ट आपके साइकिल के लिए नहीं, आपके किसी भी टू व्हीलर इमरजेंसी में, आपके अभी टू व्हीलर्स में भी सब में ट्यूबलेस टायर्स आते हैं, तो अगर समझो आपके टायर कहीं पे फ्लैट हो रखी है, पंक्चर हो रखी है, तो आपको उसको टेम्प्ररी आप इससे हवा भर के आप लेके जा सकते हो जहाँ पे भी आपका पंक्चर वाला शॉप हो। तो ये आपकी लाइफ बहुत ही ईजी कर देता है। तो चलिए मैं अभी अनीश का दिखा देता हूँ, अनीश इस साइकिल को कैसे चलाता है और ये चलाने में कैसे दिखती है।